ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਬ ਸੇ ਹਮ ਯਹੀ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੂਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਮ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਸੋਨੇ ਅੱਖਰੋਂ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅਭੀ ਵੋ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰ ਅਗਰ ਕਬਰ ਕਰ ਲੇ ਗਏ ਤੋ ਕੀ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾਮ ਕਾ? ਡਰਤੇ ਡਰਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ओ छछुंदर मामा, वो दवाई कब तक बनेगी जिससे कभी ठीक हो जाएगा? अगर फॉरेस्ट वाले आ गए ना तो मामा जी को दे देंगे उनको। ये कौन सा इंजेक्शन है? यही है वो महान खोद जिससे चंपा जी के बाल आ जाएगा। मतलब वही इंजेक्शन है जो आपने कपी को लगाया था? क्वेश्चन मार्क। मामा जी को पकड़। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम कपी को नॉर्मल कैसे बनाएंगे? छोड़िए इसे। मामा जी जल्दी से वो दवाई बनाइए, अगर कभी ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शन आपको लगाऊंगा मैं। ओके ओके ओके, फाइव ब्लड फाइव ब्लड। किसी का नहीं, बात जो हमको बताया गया ऐसा करना है तो हमने किया। और मैं जो है इसमें जो जैसे छछुंदर मामा का किरदार है, वो आया हुआ है चूहिया का मामा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे चिंता है अपने जानवरों के लिए, जो हमारे पशु पक्षी हैं, मंकी हैं, इन लोग के ऊपर चिंता है उसको, उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा इस बार, तो वो करेगा इंसानों पे। हमेशा ये होता आया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते आए हैं जानवरों पे होते आए हैं, जिससे जानवर भी बहुत से हतायत होते हैं, लेकिन बोला नहीं अगर इंसानों के लिए दवा प्रयोग करनी है तो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन जानवरों पे जब दवा प्रयोग करनी है तो हम इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चिड़ियाघर का एक इंसान जो कपी है इसमें तैयार हो जाता, तो मैं उसी पर एक्सपेरिमेंट करता।